आप सभी के समक्ष आज एक भाषण प्रस्तुत करने वाला हूं, जिसका विषय है विज्ञान सर्वत्र पूजते। सर्वप्रथम मैं यह बता देना चाहूंगा कि भारतीय विज्ञान विश्व के प्राचीनतम वैज्ञानिक परंपराओं में से एक है। भारत में चिकित्सा विज्ञान में सुश्रुत से लेकर के चरक जैसे तथा खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट से लेकर के ब्रह्मगुप्त जैसे, रसायन विज्ञान में रामानुजन जैसे वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, जिनका प्रयोग आज भी हमारा देश की नीना किन्हीं रूपों में कर रहा है। परंतु आज विज्ञान की परिभाषा बदल गई है। आज का विज्ञान वैदिक की जगह आधुनिक हो चुका है। परंतु इस आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में भी सर सीवी रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, मेघनाथ साहा जैसे वैज्ञानिकों ने भारत का मान बढ़ाया है, पूरे विश्व में उनको सबसे शीर्ष पर पहुंचाया है। अतः यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि भारत ने न केवल महागुरु बनकर के वैदिक काल में बल्कि आधुनिक काल में भी विश्व पटल पर अपने विज्ञान की शिला को स्थापित किया है। सर्वप्रथम मैं यह बता देना चाहूंगा कि भारत में वैदिक काल से ही विज्ञान में शोध तथा अनुसंधान की परंपरा चली आ रही है। जिस वक्त यूरोप में घुमक्कड़ी धर्म के लोग जो है, घुमक्कड़ी जनजाति के लोग बस रहे थे, उस वक्त भारत में सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सुनियोजित नगर बना लिए थे, कांसे तथा तांबे की खोज कर ली थी। इसके अलावा भारत के लोगों को खगोल विज्ञान का अच्छा खासा ज्ञान था। वैदिक भारतीयों को 27 से भी ज्यादा नक्षत्रों का ज्ञान वैदिक काल में ही हो गया था। इसके अलावा मैं यह बता देना चाहूंगा कि न्यूटन से हजारों वर्ष पहले ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण की पुष्टि कर दी थी, परंतु किन्हीं कारणों से इसका श्रेय न्यूटन को दिया जाता है। इसके अलावा कोपरनिकस से कई सौ वर्ष पहले चाणक्य ने पृथ्वी के गोल होने तथा उसके अपनी धुरी पर घूमने का श्रेय जो है कोपरनिकस को दिया जाता है, यह बात भी चाणक्य ने पुष्ट कर दी थी। मुगल के आने के बाद मुगल के हमलों के कारण तथा भारत में लगातार राजतंत्र के बदलने के कारण विज्ञान की गति थोड़ी धीमी हुई, परंतु हम वह लोग नहीं हैं जो थोड़ी देर के लिए बैठकर शांत हो जाएं। हम वह हैं जो जितनी ताकत से बैठते हैं उससे दुगनी ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल में भारत में सर सीवी रमन जैसे वैज्ञानिकों को जन्म दिया, जहां पर जगदीश चंद्र बोस जैसे वैज्ञानिकों ने संसाधनों की कमी के कारण अपने प्रयोग को ना रोक करके पौधों में भी जीवन की पुष्टि की, या उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा सर सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए 1930 में नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा एस रामानुजन जैसे गणितज्ञ को उनके शोध तथा अध्ययन के लिए पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, आजादी के बाद भारत ने परमाणु ऊर्जा, पूरे विश्व के दबाव में होने के कारण भी परमाणु ऊर्जा में जो विकास किया वह आश्चर्यजनक है।